सदन के अंदर शायद आप लोगों ने कल देखे होंगे, सुने भी होंगे कि बीजेपी पार्टी के एक सदस्य मिस्टर दुबे वो बेबुनियाद और आधारहीन तथ्यों के सहारे कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ हमारे नेतागण जैसे कि राहुल गांधी जी इन सबको खिलाफ धड़ल्ले से गाली गलौज देना शुरू कर दिए और सदन के अंदर जब मंत्रियों को बुलाए जाते हैं माइक पे तो मंत्री की माइक नहीं चलते लेकिन वो सदस्यों की माइक चलते जिस सदस्यों ने एक ओछी तरीके से और घटिया बयान पेश कर रहे थे जिसका कोई आधार नहीं कोई तथ्य नहीं है तो नियमों के मुताबिक हमारी पार्टी की तरफ से और सारे विपक्ष मतलब हमारे साथ जो लाइक माइंडेड जितने पार्टी हैं सब मिलकर हम स्पीकर साहब को पत्र लिखी क्योंकि हमारे संसदीय रिवाज रीति जो है उसके मुताबिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल 353 पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता किसी के खिलाफ कोई बिल के खिलाफ कोई मेंबरों के खिलाफ जिनको पहले नहीं नोटिस दिए जाते हैं और साथ साथ मंत्रियों को बिना नोटिस इस तरीके की फजूले बयान घटिया बयान नहीं दिया जाते जा सकते हैं लेकिन फिर भी वो दिए। इसके विरोध में हम सब स्पीकर साहब से मुलाकात भी की थी, पत्र भी लिखी और देखते देखते हमारे तरफ से जो शिकायत दर्ज किया गया था उसके मान्यता देते हुए रिकॉर्ड से वो सारे घटिया बयान को हटा दिया गया थे। हम लोग ये सोचे थे कि ठीक है जिसमें हमारा आपत्ति थी आपत्ति जताई थी वो सारे मान लिए हैं लोकसभा के सेक्रेटरी और स्पीकर साहब ने लेकिन चौंकाने की वाली बात यह है कि रात में फिर हमारे नोटिस में आ गए कि रात देर रात को फिर सारे जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे जिसके विरोध में हम सदन के अंदर विरोध जताई ऑन रिकॉर्ड पे विरोध जताई स्पीकर साहब के पत्रों लिखे विरोध जताई वो सारे ओछी और घटिया इल्जाम जिसके विरोध हम आपत्ति जताए थे सारे फिर रिकॉर्ड पे आ गए वापसी अपलोड हो गए हमारे जो जहां से हम रिकॉर्ड लेते हैं सारे अपलोड हो गए इंटरनेट पे। मतलब इस तरीके की नजीर हमारे देश की पार्लियामेंटरी के इतिहास में कभी नहीं हुई है। मैं बड़े दावा के साथ कह सकता हूं क्योंकि सदन के अंदर चेयर को जो पीठासीन रहते हैं चाहे वो स्पीकर साहब हो चाहे वो चेयरमैन हो जो भी हो स्पीकर में जो पीठासीन होते हैं उनको हम स्पीकर मानते और नियमों के मुताबिक आपत्ति भी जताई हम लोग। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे संसदीय राजनीति की सारे परंपरा को सारे नियमों को सारे रीति को रिवाज को धजिया उड़ाते हुए ये तानाशाही की नजीर संसद के अंदर भी देखा जा रहे हैं तो हम कहां जाएं? हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा होते हैं।